गेंदबाज गेंदबाजी पे पहली गेंद डालेंगे इकबाल को, पहली गेंद उड़ाया है और शायद पहले गेंद पे इकबाल के विकेट का पता नहीं हाल है, काफी नाखुश हो गए आज इकबाल, शायद उनका भल्ला चला नहीं है आज, और पहली सफलता दिलाई यहाँ पर, कमाल की गेंद, पहली गेंद और उड़ाने का प्रयास हुआ था पहली गेंद से, लेकिन थोड़े से अनलकी रहेंगे और सीधा गेंद जाएगी यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, कैच आउट होकर वापस पहले विकेट का पतन यहाँ से द्वारकेश इलेवन दियोदर का। विपुल बारोट जो की काफी लय में दिख रहा है आज, तो मानो की अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस चौथे मुकाबले में भी कर रहा है विपुल बारोट, उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे गेंदबाज है, विपुल बारोट के अलावा भी शक्ति उसके बाद भी अच्छे अच्छे गेंदबाज है इनके पास, और अब आए हैं एक विस्फोटक भलेबाज जो कि अगली पारी के हीरो सुमा जी पहुंचे हैं भलेबाजी के लिए, सामना करेंगे तेज तरह गेंदबाज विपुल का, राइट टर्म होते तो विकेट गेंदबाजी के लिए, पहले ही गेंद पे जरूर विकेट चटका है विपुल ने, इस बार अच्छा शॉट दो फील्डर के बीच में से निकाला लेकिन रोकने में सफल यहां पर जरूर, मिहिर ने अच्छी तरीके से रोका यहां पर गेंद को, और सिंगल के साथ शुभाजी अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन करते हुए, जो कि पूरी तरीके से लय में दिख रही है टीम आज, तो मानो कि मोरवाड़ा इलेवन शायद बजरंगबली बाबा के दर्शन कर कर पहुंची है यहाँ पर, पूरा केसरिया में रंगी हुई टीम ये, इस बार उड़ाने का प्रयास और गलती करेंगे कि नहीं करेंगे, यह दूसरे विकेट का पतन मोरवाड़ा के शेर यहाँ पर हावी होते हुए, ये लगने वाला दूसरा झटका यहाँ पर, शायद दशरथ की फ्लाइट यहाँ से वापस जाएगी, पहले ओवर में यहाँ पर दो विकेट का पतन, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर विपुल बारोट के द्वारा, जितनी तारीफें की जाए उतनी कम विपुल बारोट की, कमाल की गेंदबाजी विपुल बारोट के द्वारा, और दूसरे शेर को यहाँ पर चलता किया है, चिंता का विषय निश्चित तौर से यहाँ पर, गणपत आए हैं बल्लेबाजी के लिए जो कि दो बड़े बड़े शेरों को बड़ी बड़ी मछलियों को जाल में फंसाया है विपुल बारोट ने, अच्छे दो कैच लपके यहाँ पर दोनों फील्डरों ने, लाजवाब कैच, कोई गलती की गुंजाइश है नहीं क्योंकि अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो सुपर 16 में जगह बनानी है उनको पता है, और गलतियों की कोई गुंजाइश है नहीं यहाँ से, तो क्योंकि तीन मुकाबले जीते ये चौथा मुकाबला है इनका आज की नाइट का, पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में और काफी लय में गेंदबाज दिख रहे हैं अभी तक, ठंड बहुत है लेकिन केसरिया आज तो लहरा रहा है पूरी तरीके से, उड़ने का प्रयास है निश्चित तौर से यहाँ पर, थोड़ी सी गलती और गेंद जाएगी फाइन लेग दिशा में चार रनों के लिए, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 5 रनों पे, जो कि कमाल की गेंद थी या थोड़ी सी विकेट कीपर से गलतियां हुई है जरूर, फिर भी यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी अच्छी गेंद, ये भी गेंद बुरी नहीं थी, अंदरूनी किनारा जरूर बल्ले का लगा था, शायद विकेट का पतन हो सकता था लेकिन थोड़े से चुके विकेट कीपर और गेंद गई फाइन लेग दिशा के बाहर, इस बार दिशाहीन गेंद निश्चित तौर से वाइड का इशारा, लेग स्टंप से को काफी मिस करती हुई ये गेंद जाएगी वाइड के लिए, और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर पर 6 पे जा पहुंचा है, विपुल बारूद छाए हुए आज तो भैया जरूर यहाँ पर चौथा मुकाबला खेल रहे हैं और पूरी तरीके से लय में, अभी भी मानो कि वनडे क्रिकेट की तरह आज तो गेंदबाजी कर रहे हैं, छोटी सी उम्र पर तजुर्बे के साथ गेंदबाजी और वो भी द्वारकेश इलेवन के शेरों के सामने, आसान सा है नहीं ये मुकाबला, इस बार उड़ाने का प्रयास और पूरी तरीके से एक और मछली को जाल में फंसाने का प्रयास हुआ था लेकिन आसान सा कैच ड्रॉप किया है, निश्चित तौर से चिंतित रहेंगे यहाँ पर विपुल बारोट, दो जीवन दान मिले हैं, दो जीवन दान यहाँ पर देखा जाए तो गणपत को इस ओवर से, और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 7 पे, अच्छी गेंदबाजी दो जीवन दान और दो विकेट, मानो कि अगर एक भी कैच हो सकता था तो शायद यहाँ पर तीसरे विकेट का भी पतन हो सकता था, पूरी तरीके से लय में गेंदबाजी विपुल बारोट की, सम्मान के साथ खेला यहाँ पर, रन की कोई गुंजाइश है नहीं, स्कोरबोर्ड वही रुका थमा हुआ था, ओवर की समाप्ति पहले ओवर से यहाँ पर 7 रन आए और 2 विकेट का पतन हुआ, वो भी दोनों बड़ी बड़ी फ्लाइटों को वापस भेजा है,
ओपनिंग बल्लेबाजी को पवेलियन की दिशा दिखाई जरूर विपुल बारोट ने। अब जाकर मिहिर आए हैं गेंदबाजी पे, काफी लय से गेंदबाजी करते मिहिर भी, क्योंकि विपुल बारोट अच्छे गेंदबाज है, उनके बाद मिहिर भी अच्छे गेंदबाज है। यहां से राइट टर्म और दो विकेट गेंदबाजी के लिए पहुंचे मिहिर, और गणपत सामना करेंगे मिहिर का, जो कि आसान सा होगा नहीं है गणपत के लिए। अच्छी गेंद उछाल के साथ गेंदबाजी, सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, गलती की कोई गुंजाइश नहीं यहां पर, जो कि काफी लय में दिख रही है आज तो पूरी की पूरी मोरवाड़ा इलेवन। क्या खा के आए भैया आप सब, कि कुछ खाया ही नहीं है, भूखे टाट। और देखिए काफी लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी, तारीफें करूंगा इन लड़कों की, जो कि ये चौथा मुकाबला खेल रहे हैं। अच्छी गेंद, फिर से एक बार गणपत को जीवन दाना, दो ओवर में तीन जीवनदान मिले हैं गणपत को, आसान सा नहीं है मोरवाड़ा के शेरों के सामने यहाँ पर बल्लेबाजी करना, काफी यहाँ पर दिक्कतें साबित हो रही है बल्लेबाजी करने में। मानो के लय में गेंदबाजी पूरी तरीके से, अच्छी गेंदबाजी मिहिर और विपुल के द्वारा, अभी शक्ति की गेंदबाजी आने वाली बाकी है, फिर की गेंदबाज है शक्ति, लेकिन फिलहाल मिहिर की तारीफें करूंगा जरूर यहां से, तो पूरी तरीके से यहां पर हावी होते हुए गेंदबाज बल्लेबाज पे। इस बार भी अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, हल्की सी मिस फील्ड और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, बाइक के रूप में ये मिलेगा चौका। इस चौके के चलते टीम का स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 11 पे। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही है, मानो कि मुन्ना भाई चलियान मोबाइल पहुंचे, स्वागत है उनका, खाने में मजा नहीं आया शायद आज, लेकिन फिर भी पहुंचे काफी देरी के बाद। मयूर भाई भी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। तेज तरार गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी यहां पर पूरी तरीके से। मिहिर अगर हैट्रिक विकेट चटका दे तो 200 रुपए का इनाम लालजी ठाकुर की ओर से। कमाल की गेंद, ये भी पूरी गेंद थी नहीं, तगड़ी गेंदबाजी, मजबूती से गेंदबाजी लाइन और लेंथ से सटीक गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। बखूबी जानते हैं कि मुकाबला ये आसान सा है नहीं, लेकिन जिस लय में गेंदबाजी कर रहे उस लय में तो शायद बल्लेबाजों को धूल चटाने का ही प्रयास है इन गेंदबाजों का, जो कि तेज तरार गेंदबाज दोनों के दोनों विपुल बारोट और मिहिर चौधरी। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, जड़ों में डाली हुई गेंद, हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रही है बंदे, ये चौथा मुकाबला खेल रहे आज की नाइट का, आसान सा है नहीं, और फिर भी इस तरीके की लहरी गेंदबाजी करना, मैं तो काफी खुश हुआ हूँ, और दिल छू लेने वाली गेंदबाजी है इन लड़कों की। फिर से एक बार अपनी बॉलिंग लाइन पे विपुल, सॉरी माफ कीजिएगा मिहिर, इस बार खराब गेंद, फुल टॉस गेंद डाला है जरूर यहाँ पर, स्क्वायर लेग दिशा में जाएगा 6 रनों के लिए, और इस चक्के के साथ टीम का स्कोर बोर्ड जा पहुंचेगा 17-17। पावर प्ले खत्म हुआ दो ओवरों का, दो ओवर के बाद दो विकेट का पतन और 17 रन। अच्छी गेंदबाजी, देमिशाल गेंदबाजी, अब जाके शक्ति को बुलाया गेंदबाजी पे, एक और अच्छी गेंदबाज शक्ति। लाइव हो मोरवाड़ा यहाँ पर छाई हुई पूरी तरीके से, केसरिया में लपटी हुई ये टीम, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तो गेंदबाज। लाल भाई ठाकुर मजा लेते हुए, उमेश ठाकुर और मयूर ठक्कर, जो कि आज के पांचवें मुकाबले के अंपायर दोनों के दोनों। मयूर भाई की फ्लाइट थोड़ी सी लेट है, लेकिन धनंजय भाई घर पहुंच गए शायद। फिर से एक बार गेंद यहां पर विपुल बारोट के हाथों में, और अब जाकर विपुल का मुकाबला तगड़ा रहेगा, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने है सुमा जी, जो कि एक तेज दरार विस्फोटक बल्लेबाज है। जब वो लय में आ गए तो शायद आसान सा नहीं रहेगा गेंदबाजी करने का, लेकिन पहले गेंद उड़ाने का प्रयास, निश्चित दौर से यहाँ पर बल्ले का नीचे हिस्सा लगा और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके से टीम का स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 21 पे। कमाल की गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ा सा भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का, और गेंद की फाइन लेग दिशा में 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। और नंबर 3 कीपर से काफी गलतियां साबित होती हुई,
और इसके चलते यहाँ पर देखा जाए तो शायद लंबा चौड़ा स्कोर बोर्ड खड़ा कर देगी टीम। ये गलतियां करनी नहीं चाहिए क्योंकि पूरी तरीके से आपकी गेंदबाजी लय में है। थोड़ा सा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, आप जगह बनाने वाले सुपर 16 में तो कमाल की गेंदबाजी चल रही है, तो थोड़ी सी फील्ड भी कमाल की कीजिए। इस बार अच्छी गेंद, छोटी गेंद, पूरा फायदा उठाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन सिंगल से संतुष्ट मानना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाज को। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 22 पे। कहावत है सब ऐसा कुछ होता नहीं है। इस बार तगड़ा प्रहार, पूरी तरीके से फंसाया लाजवाब कैच, कमाल का कैच, और एक फ्लाइट वापस बड़ी मछली जाल में। क्या विपुल मारोट छा गए भैया इस ग्राउंड पे, तो मानो की कमाल कर रहा है छोटा सा लड़का, बेमिसाल लाजवाब। आज द्वारके इलेवन पूरी तरीके से फंसी मोरवाड़ा इलेवन के सामने, क्योंकि विपुल बारोट और मिहिर चौधरी कमाल की गेंदबाजी कर रहे दोनों के दोनों। जो भी बॉलर एक मिनट, अगर ये मुकाबला अगर मोरवाड़ा इलेवन जीती तो काफी खुश रहेगी, और अगर जीती भी नहीं है तो भी काफी खुश रहेगी, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो शायद दूसरी टीम कर भी नहीं सकती। यहाँ से एक भाड़े में काफी कुछ हासिल किया है इन्होंने, सस्ते में लिपटेगी पूरी तरीके से, बार बार आने की दिक्कत भी नहीं रहेगी, और इतना आप कुछ तगड़ी मेहनत कर रहे तो शायद किस्मत भी आपका साथ देगी, लेकिन फिलहाल आसान सा नहीं रहेगा क्योंकि दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है। क्रीज पे सलमान के साथ गिरा, अच्छी गेंद जड़ में डाली, गेंद बेहतरीन तरीके से स्वागत किया यहाँ पर बल्लेबाज का, और दोनों ही अच्छे बल्लेबाज क्रीज पे, परेश और सुमाजी दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है। अगर सुमाजी चले तो आसान सा रहेगा नहीं यहाँ पर मोरवाड़ा इलेवन के लिए, लेकिन अभी तक रोकने में सफल रहे यहाँ पर गेंदबाज। जरूर मानो की अच्छी गेंदबाजी, राइट टर्न में दो विकेट गेंदबाजी के लिए पहुंचे फिर से लाइन पे अपनी, अच्छी गेंद छोड़ा बल्लेबाज ने आखिरी क्षणों में, बेहतरीन गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी, और शायद क्योंकि बजरंग इलेवन मजा लूट रही है पीछे डगआउट में। सुन जी यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज है, जो कि इस बार ये काफी अच्छा हो सकता है, पर अंपायर का डिसीजन क्या होगा? विकेट का पता नहीं, कमाल का यहाँ पर किया जा सिंधी की तारीफ करूं, उसी का संगाकारा की तरह यहाँ पर गेंद लपका है, कोई गलती की नहीं है यहाँ से, तो तेज तरार गेंद बाहर जा रही थी, लेकिन आखिरी क्षणों में क्या कमाल का गेंद लपका है यहाँ पर, और की समाप्ति और विकेट का पतन, पर इसकी फ्लाइट वापस जाएगी, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, कमाल का कैच लपका है जरूर यहाँ पर। भैया बाहर से आवाज मत दीजिए, एम्पायर ने बखूबी तरीके से यहाँ पर आउट दिया है खराब, तो बल्लेबाज भी बाहर ही जा रहे, पर इसकी फ्लाइट वापस, तीन ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड यहां से 22 पे, तीन ओवर के बाद 22 पे टीम का स्कोर बोर्ड, और लगने वाला ये चौथा झटका। अगर यहाँ से मिहिर चौधरी जो अगर तीन हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो लाल भाई ठाकुर की ओर से 500 का इनाम है, तारीफें करूंगा लाल भाई ठाकुर की,
300 बढ़ाया और 500 किया है, पहले 200 का रखा था। नए बल्लेबाज का नाम बताए, कल्पेश, अल्पेश, अल्पेश पहुंचे हैं। अल्पेश और सुनती की जोड़ी क्रीज पे डटी हुई। सुधीर अभी बॉलिंग लाइन पे, अच्छे गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज हेनरिक चटकाए के 500 का इनाम भी पाएंगे। अच्छी गेंद, पहली गेंद दबाव डालने का प्रयास यहाँ पर बल्लेबाज पे, जरूर निश्चित दौर से कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, शेरों को ढेर किया है जरूर इन छोटे छोटे लड़कों ने, कमाल करके दिखा है। जो कि द्वारकेश 11 पूरी टीम है नहीं, लेकिन पूरी तरीके से फंसी है आज इन छोटे लड़कों के सामने, पूरी तरीके से हावी होती है मोरवाड़ा के शेर यहाँ पर। शायद बेहतरीन तरीके से खेल रहा है ये मुकाबला मोरवाड़ा 11 के शेर। इस बार हवा में गेंद, कहां से भाग के आया और क्या चमका शक्ति ने, और एक विकेट का पतन, शून्य की फ्लाइट वापस। कम माल करके रख दिया है इन लड़कों ने, जितनी भी तारीफ में करूं उतनी कम। शक्ति कहां से भाग के आया भैया इस गेंद को लपेटने के लिए, मानो के उन्हें पता है एक विकेट का फायदा क्या है। एक बड़ी मछली को जाल में जरूर फंसाया। दो और विकेट और 500 रुपए, दो और विकेट अगर वीर चटकाते टू बैक, तो ये 500 का इनाम है नकद, जो कि शक्ति की तारीफ करूं उतनी कम। एक विकेट से भाग के आए और कैच लपकना आसान सा था नहीं, जरूर मुझे ऐसा लग रहा था कि कैच होने वाला नहीं है, फिर भी कमाल का कैच लपका है और काफी खुश इस ग्राउंड में प्रेक्षक आज ये मैच का मजा लूटते हुए। इस बार हवा में गेंद और आसान सा कैच ड्रॉप किया है, ये जीवनदान दिया जरूर यहाँ पर। 500 रुपए शायद गवाए हैं, मौका गवाया 500 रुपए जीतने का, लेकिन फिलहाल तो तारीफें करो उतनी कम गेंदबाजी की। देखिए भैया पूरी तरीके से लय में, लाल जी कैसी गेंदबाजी देखने को मिली, अगर आपकी प्लेइंग 11 में स्थान देना तो दे सकते आप, जाड़ा बाड़ा कहीं भी ले जा सकते हैं इन गेंदबाजों को। नए बल्लेबाज का नाम बताए मेरे भाई, रसिक, रसिक आए हैं और इन दोनों गेंदबाजों के लिए खुला ऑफर है जलियान मोबाइल मुन्ना भाई की ओर से, अपनी टीम में खेल सकते हैं। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, मिहिर और विपुल भारत और मिहिर चौधरी को खुला ऑफर दिया गया है जलियान मोबाइल, एक बढ़िया टीम है मुन्ना भाई जो इनके ऑनर है इस टीम के, खुला ऑफर देते हैं आपको क्योंकि आपकी गेंदबाजी से सभी इंप्रेस हुए आज, पूरा पूरा देखे तो दिवदर गांव का प्रेक्षकों में भी काफी खुशी का माहौल दिख रहा है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद छोड़ा बल्लेबाज ने और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तान में, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बोर्ड अभी तो 23 पे, धीमी गति से चलता हुआ ओवर नंबर 4वां 4वां प्रगति पे है यहाँ से। कमाल की गेंदबाजी, क्योंकि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है ठीक तरीके से, और 5 विकेट का यहाँ से पतन हुआ है, वो भी बड़ी बड़ी मछलियां वापस गई है आज तो। लेग स्टंप पे गेंद, निश्चित दौर से वाइड का इशारा और इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन, 24 पे टीम का स्कोर बोर्ड, द्वारकेश 11 पूरी तरीके से फंसी हुई है आज तो, संकट में नहीं आप, कौन पार लगाएगा भैया इस नैया को, जो कि अच्छी गेंदबाजी, तेज तरार गेंदबाजी चल रही है, यहां से आसान सा होगा नहीं द्वारकेश 11 दिवदर को आज का मुकाबला जीतना, काफी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर द्वारकेश 11 के शेरों को। अच्छा गेंद और इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड 24 पे और 5 करारे झटके लगे अभी तक। बैटिंग, हाँ बैटिंग में आप
शक्ति खुद पावर पहुंचे यहाँ पर, पहली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर शक्ति की, और सिंगल से रोकेंगे शक्ति। शक्ति को पता है दो गेंद बाद काम करके गए तो मुझे भी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। बलिदान कमाल कैच लपका है शक्ति ने, शक्ति ने जो कैच लपका उनकी तो तारीफ करूं निकम, लेकिन जो विकेट कीपर ने कैच लपका था वो बेमिसाल कैच था, कार्बन कमाल कैच था आज की नाइट का। इस बार तगड़ा प्रहार और गेंद जाएगा सीमा रेखा के बाहर, इस छक्के के चलते टीम का स्कोर बोर्ड आगे जाके पहुंचा है 31 पे। कमाल का शॉट इस बार, बेहतरीन शॉट और कमाल की बल्लेबाजी इस बार। अच्छी गेंद छोड़ा यहाँ पर बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। शक्ति गेंदबाजी पे और लेग स्टंप से फटके, अंपायर मयूर ठक्कर ने दिए वाइड के झटके, और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर पर 32 पे। अभी तक रोकने में सफल पूरी तरीके से टीम ओवी मोरवाड़ा 11। काफी खुश रहेंगे आज तो ये बंदे, शायद काफी चर्चाएं रहेगी सोईगाम पंथक में इनकी, पूरी तरीके से ये मुकाबला लाइव चल रहा है। इस बार पैरों में डाली हुई गेंद और वन बाउंस चौवा, इस चौके के साथ टीम का स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 36 पे। थोड़े से खर्चालू साबित होते हुए इस ओवर से यहाँ पर शक्ति, थोड़ा सा दबाव डालने का प्रयास यहाँ पर गेंदबाजी पे बल्लेबाजों के द्वारा। अब जाकर बल्लेबाजी थोड़ी सी लय में दिख रही है, मानो कि कल्पेश ये अच्छा प्रहार सीधा स्टेट ड्राइव किया है 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट। शक्ति यहाँ पर देखे तो खर्चालू साबित होते हुए इस ओवर से, पहले ओवर से। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर पर जा पहुंचा है 42 पे। कमाल की बल्लेबाजी, अब उड़ाने का प्रयास है चूके, ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड 42 पे। और यहाँ पर टीम का स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 42 पे। 5 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर अभी भी शेष। नहीं, गेंदबाज गेंदबाज का नाम बताए, पहली गेंद काफी ऊंची और हवा में गेंद, फील्डर से रोकना नामुमकिन, गेंद जाएगा सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए, और इसे छक्के के चलते टीम का स्कोर बोर्ड 48 पे। गेंदबाज का नाम बताए भैया, दिलीप पहुंचे गेंदबाजी के लिए। लेफ्टर और तो विकेट गेंदबाजी दिलीप की, इस बार उड़ाया है हवा में गेंद, है फील्डर से काफी दूर रहेगी गेंद, और ये जाएगा चौवा। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 52 पे। अच्छा।
अभी जाकर बल्लेबाजी पूरी तरीके से लय में दिख रही है यहाँ से। उड़ाने का प्रयास फील्डर शक्ति है, खुद पावर खुद शक्ति, डायरेक्ट हिट का चांस जरूर बना था, मौका गवाया है। और सिंगल से संतुष्ट, सिंगल के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 53 है। डाला हुआ गेंद, बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, और एम्पायर देखिए चौका ने मयूर ठक्कर। और नंबर छठा प्रगति पे है यहां से, तो कमाल की यहां पर गेंदबाजी, इन लड़कों की तारीफें करूंगा जरूर, रोकने में सफल पूरी तरीके से रहे ये गेंदबाज। इस बार उड़ाया है, बेहतरीन शॉट, लाजवाब शिक्षा, कमाल का शॉट, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 59 पे। कमाल का गेंद लपका विपुल बारोट ने, जो कि यहाँ पर तारीफें करूंगा उनकी, जो जितनी भी करूं उतनी कम तारीफ है, आज तो छाए हुए हैं पूरी तरीके से विपुल बारोट ग्राउंड पे। क्या कैच लपका है इन्होंने, शायद लॉन्ग ऑन पे खड़े थे, मिड विकेट पे जाके कैच लपकना आसान सा रहता नहीं है, बेहतरीन तरीके से कैच लपका है उन्होंने और विकेट का पतन हुआ यहां से। ये लगने वाला झटका नंबर छठा, और इसके साथ शायद ओवर की समाप्ति हुई है। ओवर की समाप्ति, और नए बल्लेबाज विलास पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि शक्ति खुद पावर यहां पर गेंदबाजी थे, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करना चाहेंगे जरूर यहां से, लेकिन फिलहाल अच्छा कैच, बेबी शार्क कैच। अगर ये मुकाबला आते भी है मोरवाड़ा 11 तो काफी खुश रहेंगे अपने आप से, क्योंकि इस तरीके से खेलना आसान सा रहता नहीं है। इस बार हवा में गेंद है, क्या होगा, और एक विकेट का पतन, कमाल का गेंद, कमाल का बाउंस और विकेट का पतन, और एक फ्लाइट वापस बड़ी मछली जाल में। शक्ति अपना शक्ति दिखाते हुए पूरी तरीके से, पूरी टीम आज तो मानो की कर से सेट होकर आई है, बिना खाए पिए अभी तक लड़ रहा है, यहाँ पर झजूम रहे हैं। बल्लेबाज का नाम बताए, नए बल्लेबाज का माधव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि नरेश और अगर यहाँ से शक्ति हैट्रिक विकेट चटकाते तो 200 का इनाम लाल भाई ठाकुर की ओर से। अच्छी गेंद, बेबी शाल गेंद यहाँ पर शक्ति की, मिस किया बल्लेबाज को, और गेंद की सीधा विकेट कीपर के दस्तर में, गलती की को गुंजाइश की गेंदबाज से, स्कोर बोर्ड 59 पे अभी रुका थमा हुआ था। इस बार कट किया बेहतरीन तरीके से, भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 63 पे। टी शर्ट रन बने हैं 63।
जो कि अच्छी गेंदबाजी चल रही है गेंदबाजों की। इसके बाद भी एक ओवर शेष है यहां से, क्योंकि ये ओवर अच्छा तगड़ा रहा तो शायद अच्छी मजबूत स्थिति में फिर से आ सकती है यहां पर। अच्छा कट किया, निकालने का प्रयास, फील्डर मौजूद वहां पे, और सिंगल से संतुष्ट है दोनों ही फील्डर। ये सिंगल के चलते टीम का स्कोरबोर्ड 64 पे। इतने तक रोकने में सफल रहते हैं ये मुरवाड़ा 11 के शेर। कमाल की गेंदबाजी कर रहा है आज तो मानो की लय से। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद और सिंगल से संतुष्ट, और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 65 है। कमाल की गेंदबाजी हो रही है। इस बार अच्छा कट, बेहतरीन शॉट, लाजवाब, और जाएगा ये चौवा। इस चौके के साथ ओवर की शुरुआत हुई, टीम का स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 69 पे। भाई फोन नहीं, बोतल फो काट जो है। नंबर इस इनिंग का आखिरी ओवर नंबर 8 वा लेकर पहुंचे गेंदबाज का नाम बताए। नानजी आए हैं गेंदबाजी के लिए, इस क्वेल कांति वोट डालने के लिए पहुंचे नानजी। लेफ्ट आर्म ओवर से विकेट गेंदबाजी के लिए नानजी पहुंचे हैं। पहली गेंद हवा में झूलती हुई जाएगी विकेट कीपर के दस्तारों में। अच्छी तरीके से गेंदबाजी करना जानते हैं चार गेंदबाज, चारों के चारों अच्छे गेंदबाज अभी तक आए हैं। इस बार भी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, दो डॉट बॉल है, यहां से निकालना आसान सा है नहीं, लेकिन निकाली है नानजी ने। चार गेंदे अभी भी शेष इस पहले इनिंग की, कितने में रोक सकते हैं ये। इस बार तगड़ा प्रहार, लेकिन फील्डर गेंद के पीछे, और सिंगल से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज, और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 70। अच्छी गेंद, ऊपर डाली हुई गेंद ये, और दूसरे का कॉल, क्या पूरा होगा, विकेट का पतन शायद होगा यहां से, रन आउट। ये झटका नंबर 8वां लगता हुआ, धीरे धीरे ऑल आउट का खतरा भी मंडराता हुआ द्वारकेश 11 दिवदर पे, जो कि मजबूत लड़त दे रहा है मोरवाड़ा के शेर। यहां से सिर्फ कितनी गेंदे, दो ही गेंदे शेष है। भरत आए हैं, क्लीन बॉल यहां से, चारों खाने चीत, भरत की फ्लाइट वापस। टीम का स्कोरबोर्ड 71 पे, एक गेंद शेष है यहां से सिर्फ। स्फूर्ति
आखिरी गेंद और विकेट का पतन है कि नहीं, यहां से देखा विकेट का पतन और ऑल आउट किया है यहां पर। हो लाजवाब तरीके से ऑल आउट किया है, वो भी द्वार के जिलेबंदी उधर को, शेरों को परास्त करने की क्षमता रखते हैं ये तो। मानो कि कमाल की गेंदबाजी और टीम का स्कोर बोर्ड देखिए 71 पे, रोकने में सफल रही है पूरी टीम। कमाल की गेंदबाजी हुई है और फील्डिंग भी लाजवाब हुई है इनके द्वारा। लोकल बॉय मोरवाड़ा टीम पूरी तरीके से बड़ी टीम को परास्त करने की क्षमता है इनके पास। મૂટ કરી દેવાનું રેકોર્ડ બની કરે આપણે હવે નહીં જાવ, ચાલ લઈ જવાનું, ચાલ ચાલ લઈ જવાનું, એમ પાણી મળી જાવ પછી બીજો તમે જો હવે હું નહીં જવાનું એમ પાણી જવું કરે આપણું હવે તો